कल हम लोग बात किए थे इस पर चार्ट के डिफिनेशन वगैरह हम लोगों ने सीखा था। आज हम थोड़ा सा इस पर बात करने वाले हैं कि चार्ज ऑब्टेन कैसे किया जाता है, कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे। चार्ज करने का मतलब क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से इसका मतलब है। एक ऑब्जेक्ट के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम में प्रवेश करता है। जिस ऑब्जेक्ट के एटम में या जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, उसको हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, है ना। काहे भाई, द ऑब्जेक्ट दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच इन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, है ना। सिंस इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, दस द ऑब्जेक्ट दैट गेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। व्हाई द ऑब्जेक्ट दैट लॉसेज इलेक्ट्रॉन, है ना, बिकम्स एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन के जाने आने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों एक्वायर होता है? क्योंकि कोई भी एटम, नेचुरल जो एटम होता है नेचुरली, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं बराबर होती है, तो संख्या बराबर होने से सिर्फ न्यूट्रल होना का प्रूफ नहीं होता, यानी न्यूट्रल है या नहीं सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मतलब नहीं। आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, यानी कोई भी वस्तु न्यूट्रल होता है उसका दो कारण है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, यानी उसके एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होंगे, साथ साथ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, चार्ज का नेचर अपोजिट हो जाएगा, यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो कैसे चार्ज निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो कि इससे निकलकर इसमें आ रहा है, ये पहले न्यूट्रल था, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बराबर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर, इसमें भी वही बात। जब हम रगड़ते हैं और देखो ऐसे ऐसे रगड़े हीट जनरेट होता है ना, व्हेन वी रब, यानी चार्जिंग बाय रबिंग पर हम बात कर रहे हैं, रगड़े तो हीट जनरेट होता है। आपको नाइन्थ क्लास में बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जब कोई स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है तो वह एनर्जी इमिट नहीं करता, एनर्जी बाहर नहीं निकालता, लेकिन एनर्जी कोई बाहरी सोर्स से एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी वह बाहरी सोर्स से लेगा, बात समझी। तो जब रगड़ते हो तो हीट जनरेट होता है, ध्यान दो यहाँ, रगड़ते हो तो हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लिया बाहर से, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी और एक्वायर्स एनर्जी देन इट जंप्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, लोअर सेल से हायर लेवल में चला जाता है, बात समझी, लोअर लेवल से हायर लेवल में चला जाता है। यानी जब रगड़ते हैं तो हीट जनरेशन के कारण ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाता है, सतह पर, है ना। अब जरा सा सोचो, ये पेन जिस मैटर का बना है, दूसरा पेन भी इसी मैटर का बना है, इन दोनों को रगड़ेंगे तो हीट जनरेट होगा, होगा नहीं होगा, हीट जनरेट होगा, लेकिन इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर गेनिंग और लॉसिंग नहीं होगा, बिकॉज या तो दोनों ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होगी, दोनों सेम है तो दोनों में या तो लॉस करने की टेंडेंसी होगी या गेन करने की टेंडेंसी होगी, बात समझ में आया। तो अगर यहाँ डिफरेंट मैटर है, जैसे हमारा हेयर, हमारा हेयर और ये दोनों का मैटर अलग अलग है, तो दोनों में से कोई एक में टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की और कोई एक में इलेक्ट्रॉन लेने की, बात समझ में आया। तो जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन दे देगा और पॉजिटिव भी चार्ज हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वह निगेटिव भी चार्ज हो जाएगा, है ना। तो चार्जिंग बाई रबिंग के दौरान क्या होता है,
when we have two objects over each other, then heat is generated at the surface. Due to heat, due to which electrons present in the atoms of these objects come at the surface. Satisfied. After the coming of electron at the surface, the object whose atom has tendency to lose electron loses its heat and become positively charged. And the object whose atom has tendency to gain electrons gain it and become negatively charged, thus charging through rubbing occurs due to transfer of electron from one object to another object. अब देखो, ये मान लो कि एक फूल है, आया पेन, इस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर. अब यहाँ पर हम एक सवाल का जवाब आपको बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ. वास्तव में जो अभी हम बताए उससे पता चला कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज है ना, दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज है. कैसे? एक से इलेक्ट्रॉन निकला है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन, दूसरे द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया है, चार्ज तो दोनों पर आया. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय द बोथ रबिंग ऑब्जेक्ट, दोनों पर जो चार्ज है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों पर नेचर क्या है, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय द बोथ ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग के दौरान, दोनों ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों पर बराबर है या डिफरेंट है, या और चार्ज की प्रकृति नेचर ऑफ चार्ज दोनों पर सेम है या डिफरेंट है ना. इसके लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं. जैसे मान लो कि हम अपने ड्राई हेयर में इसको रगड़े या ऊल लेकर ऐसे रगड़ दिए इसको, रगड़ कर इसको लाइट ऑब्जेक्ट के पास अकेले ले गए, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया, बात समझी, इसको भी ले गए ऊल को भी ले गए तो वह ऊल भी अट्रैक्ट किया उसको, यानी दोनों पर चार्ज है ना, दोनों चार्ज हुआ, ये प्रूफ हुआ इस. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट when we bring both objects separately near the light object, then we found that light object is attracted by the charge body dwara light object ko apni or attract kiya gaya, dono ko separately le gaye to dono attract kiya. But when we bring both object together at same time near the लाइट ऑब्जेक्ट, देन व्हाट वुड यू अब्जॉर्ब, क्या आप अब्जॉर्ब करेंगे? देयर इज नो एनी एट्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट अदर्स. दिस मींस ये एक्टिविटी बता दिया कि इस पर जो चार्ज है और इस पर जो चार्ज है दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों की प्रकृति विपरीत है और दोनों एडिटिव है, एक साथ जब जोड़ दिया तब न्यूट्रल कर दिया. इस पर मान लो कि प्लस 10 कूलम था, इस पर प्लस 10 माइनस 10 कूलम था, दोनों एक साथ आया तो जीरो हो गया, तो अट्रैक्शन नहीं हुआ. इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम है दोनों पर लेकिन नेचर विपरीत है, बात समझे. व्हेन वी चार्ज वन ऑब्जेक्ट या व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट व्हेन वी चार्ज द ऑब्जेक्ट बाय द वे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज acquired by the both object is same but opposite in nature. Out of one become positive charge while another is negative charge. बात समझ में आई? आया नहीं बोलो. स्पष्ट हुआ? अब देखो, इस काम को करने के बाद charging by rubbing के बाद हम लोग अब देखेंगे थोड़ा सा property of charge. इस पर बात करने जा रहे हैं. अब चार्ज को हमने डिफाइन कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ देखो